फर्स्ट पावर मिली एक्सपेंशन की उसके तहत, और आखिर पे जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से यूनिवर्स जो है वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और ये प्रोबेबिलिटीज का साइकिल जो है मैनी टाइम्स जो है एग्जिस्ट करेगा। फिर फिजिक्स में एक कानून है जिसको हम कहते हैं लॉफ्टी एंट्रोपी। एंट्रोपी के तहत स्पेस का पूछा, प्योरली स्पेस, नॉट यूनिवर्स। स्पेस इज ओनली थिंग जिसमें कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। जब तक चीजें ना हो तब तक स्पेस तो है ही नहीं है। स्पेस में जब तक स्टार्स हैं, मतलब सन है, उस वक्त स्पेस बनेगी। अगर स्टार और सन को हम निकाल दें तो फिर तो स्पेस रहेगी ही नहीं। हम मकाम और जगह कहते हैं, इट इज कंफ्यूजिंग द इशू। तो इन फैक्ट यू सी अल्लाह ने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया कि अल्लाह हुजूर समावात वलअर्ज, और जहाँ जहाँ भी अल्लाह जहाँ जहाँ भी तवानाई का अंजमाद है वहाँ वैक्यूम पैदा हो जाता है, उसको हम स्पेस कहते हैं। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट्स हो तो उसके बाद स्पेस में हो ही नहीं सकती। जी नहीं, ग्लास तो है, ग्लास तो एक सेल्फ ऑब्जेक्ट है जी। ग्लास को निकाल दें तो फिर क्या बचेगा जी? असल में ये मौजू शायद ऐसा था कि इस पर हमें बहुत सारी वजाहतें तो हासिल नहीं है, बट आई विल गिव यू इन शॉर्ट। अभी प्रोफेसर साहब ने आपको लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो ऑलमोस्ट कंफर्म किया हुआ है बहुत सारे साइंसदानों में, वो ये है कि एक यूनिफाइड मैथ जो है वो एक इतनी शिद्दत और तेजी से फटा कि उसके फटने और सूरत में जो मकामात पैदा हुए उनको हम स्पेस कहते हैं। जो पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस पर भी मुश्तमिल हो सकता है और पैकेजेस पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इसको कुरान ने इन मानों में कहा कि वह समाए बनाई नहा बे आई दे, हमने आसमान और जमीन, इसमें जमीनों का जिक्र नहीं किया, आसमानों का जिक्र किया। वह समाए बनाई नहा बे आई दिन व इन नाले मुंह से ऊन, कि हमने आसमानों को अपने जोरे बाजू से बनाया और हम इन्हें वसत दे रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसलिए प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट की तो वो आपको जदीद तरीन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स पैदा इसलिए रोशनी डालें कि ताकि आपको कुरान की बात बड़ी अच्छी तरह समझ आए। हुजूर गिरामी मर्तबत से पूछा गया कि दुनिया की तखलीक से पहले अर्श कहाँ था, तो फरमाया उससे पहले अल्लाह का अर्श पानी पर। इसके बाद एक सवाल पूछा गया कि इस पूरी कायनात की तखलीक से पहले खुदा कहाँ था, फरमाया कान अल्लाहु वमा, वो धुंध में था। अभी इस धुंध की थोड़ी सी वजाहत मेरे ख्याल आपको प्रोफेसर फिर करें कि वो जो मैथ, वो जो एक बड़े जोर से एक स्पेशलाइज फोर्स की वजह से फटा, वो था क्या? आई होप प्रोफेसर टेल बिकॉज इज ए फिजिस्ट। इसमें ये कहते हैं जी कि जो सबसे पहले चीज मौजूद थी दैट वाज जस्ट ए फायर बॉल, मतलब हाई कंडेंस्ड जो है मैटर और एनर्जी की फॉर्म में एक चीज मौजूद थी, दैट वाज नॉट एटम नाइदर देवर मॉलिक्यूल्स, देवर सब जो इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं जिस पे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इस तरह का एक मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट था। इसको क्वार्क्स कहते हैं और इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डिफरेंट इस तरह की चीजें जो हैं मौजूद थी। उस वक्त एटम्स जो हैं फायरवॉल में वो भी मौजूद नहीं थे, और जितनी भी फिजिक्स है वो 10^-3 सेकेंड जो इंटरवल है
यानी 10^-39 सेकंड पे, 0 सेकंड से जब हम स्टार्ट करते हैं तो 10^-39 सेकंड तक जो कुछ होता रहा यूनिवर्स में उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते वो क्या था, क्योंकि जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो भी 10^-3 सेकंड जो इंटरवल है उसके बाद उन्होंने फॉर्म होना शुरू किया। तो इस तरह से उसके बिफोर जो था, जब हमारे पास लॉज ही नहीं है, जो चीजों जिसकी बुनियाद पे हमने लॉज मालूम किए हैं वो जब मौजूद ही नहीं है, तो वी कुड नॉट से व्हाट वाज बिफोर दैट। तो फिजिक्स जो है यहाँ पे आके जो है वो मतलब छुट्टी कर जाती है, फिजिक्स इज लुकिंग फॉर, मतलब इसका जो है आंसर जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं फिजिशियंस जो है। एनी हाउ, जो कुरान ये कहता है कि हमने कायनात को एक्सपेंड किया, तो कायनात जो है फिजिक्स की मोस्ट मॉडर्न जो थ्योरीज हैं, जो मतलब लाइट आ रही है डिफरेंट गैलेक्सी से, तो उनका जब एनालिसिस करते हैं स्पेक्ट्रम की सूरत में, तो वी फाइंड आउट कि रेड शिफ्ट की वजह से यानी रोशनी का वेवलेंथ इंक्रीज करता है, तो वी फाइंड आउट कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रही है। अब जब यूनिवर्स एक्सपेंड करती है, तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा था कि ग्रेविटेशनल पुल जिसकी वजह से हम जमीन के साथ बंधे हुए हैं वो स्टिल जो है उस पर फोर्स लगा रही। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि एक वक्त आएगा कि जो ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ की यानी यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन हो रही है उस पर हावी हो जाएगी, और फिर दोबारा उस ग्रेविटेशनल पुल के तहत जो है दोबारा सारी कायनात जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगी, और यही जो है मतलब कुरान भी कहता है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि जो जो जस्ट थ्योरीज हैं, मतलब उनकी कोई हम एविडेंस जो है वो सपोर्ट में उसमें पेश नहीं कर सकते, वो ये कहती हैं कि वो जो है वापस जो है दोबारा फायरबॉल बन जाएगी, और फायरबॉल जो है फिर एक्सपेंड करेगी। अब एक लॉ ऑफ एंट्रोपी है, एंट्रोपी का लॉ ये कहता है जी कि तमाम इशा की डिसऑर्डर इंक्रीज करती है, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया और फिर वो बद से बदतर की तरफ लौट गया। तो ये है कि जो भी कायनात में चीजें जो है डिसऑर्डर की तरफ डिसऑर्डर जो है इंक्रीज कर रहा है, आप एवरी सिस्टम इफ वी लुक एन ह्यूमन बीइंग तो इसका भी सिस्टम जो है डिसऑर्डर का शिकार होता है। तो फिजिक्स का ये लॉ जो है लॉ एंट्रोपी कहलाता है, ये कहता है कि एंट्रोपी की वजह से साइकिल जो है मतलब यूनिवर्स की दोबारा फॉर्मेशन का फायरबॉल बनने का ये एक्सपेंड होता रहेगा, और आखिर एक वक्त आएगा कि इसमें फर्दर एक्सपेंशन नहीं हो जाएगी, इसका पीरियड इंफिनिट हो जाएगा, फॉर इंफिनिट टाइम जो है फिर वो एग्जिस्ट करती रहेगी, और यही कुरान में हमें कहते हैं कि उसमें जन्नत भी होगी और दोजख भी होगी, एंड दैट विल रिमेन फॉर द एवर। वैसे भी खातून मोहतरम बहुत सारे लफ्ज जो हैं वो थीसिस नहीं बनते, हम जिन लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं उसका सारा तरीन जवाब यह है कि जब एक्सपेंशन शुरू हुई तो उस एक्सपेंशन के साथ जितना जितना एरिया उसने मुतय्यन किया वही स्पेस है। दूसरा सवाल था कि जो रिलीजन है इज दिस फॉर एन इंडिविजुअल और इज दिस फॉर द सोसाइटी, सर्टेनली फॉर द बोथ। प्रोफेसर सर, कुरान पाक में है कि इंसानी जिंदगी के जिंदगी और मौत का फैसला मुतय्यन कर दिया गया, इसी तरह औलाद के मुतल्लिक, इसी तरह इज्जत और जिल्लत के मुतल्लिक, इसी तरह इंसानी रिस्क के मुतल्लिक। क्या इंसानी रिस्क की मिकदार मियार और अरसा मुतय्यन कर दिया गया है, और इसके लिए सिर्फ का तयन और कोशिश के मदारिज का कहाँ तक हुक्म है? نظر آپ کو اس کی طرح مختلف سے ایک مثال دے دوں تو فرض کیجئے ہم کسی اپنے عزیز اور ان پروٹیکٹڈ سیلف کو کہیں دور بھیجنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ یہ اپنی پروٹیکشن کے قابل نہیں ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، تو ہماری میکسیمم ایفرٹ یہ ہوگی کہ وہ تمام اسباب مہیا کریں کہ جو اس کو کسی وقت فیوچر میں ضرورت پیش آ سکتی ہے، یا جیسے ایک دفعہ امریکنز نے الجزائر میں آرمی بھیجی تو اس کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ اس میں کپڑے سینے والی سوئی بھی شامل تھی۔ لکنگ ایٹ